सरकार, मुर्दाबाद, किसाना नाल तक्का, बंद करो, बंद करो, बादल बोधी, शान बोधी, बादल बोधी, शान बोधी, बादल बोधी, शान बोधी, बादल बोधी, शान बोधी, श्रोमणी अकाली दल मुर्दाबाद, 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 श्रोमणी अकाली दल मुर्दाबाद, कुर्सी मेरी जान कुड़े, हाय कुर्सी, सारा पंजाब कुर्बान कुड़े, हाय कुर्सी, कुर्सी मेरी जान कुड़े, हाय कुर्सी, श्रोमणी अकाली दल मुर्दाबाद, वीर सिंह बहादुर मुर्दाबाद, वीर सिंह बहादुर मुर्दाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे कपूरथला ते मोगा विच आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी अते सुखबीर सिंह बादल दा रज के कीता पिट स्यापा। अज आम आदमी पार्टी वालों मोगा दे मेन चौंक विच किसानां दे मुद्दियां ते तेल दियां हर रोज वधदियां कीमतां दे खिलाफ सुखबीर सिंह बादल दा पुतला फूकिया गया। इस मौके आम आदमी पार्टी दे जिला प्रधान नसीब बावा, हलका इंचार्ज नवदीप संघा, अजय शर्मा, डॉक्टर मोहिंदर पाल अते होर वर्कर हाजिर सन। अज रोस प्रदर्शन किया जा रहा अकाली दल दे खिलाफ, किस कारण दे? देखो जिहड़ा अज दा रोस प्रदर्शन है ये अकाली दल भाजपा की जिहड़ी सांझी गौरमेंट केंद्र दे विच चल रही है, अज दी डेट दे विच भी अकाली दल दे जिहड़े दो मैंबर ने पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, एक केंद्र दे विच वजीर ने सुखबीर सिंह बादल की धर्मपत्नी हरसिमरत कौर बादल और दूसरे सुखबीर सिंह बादल। और देखा जाए तो अज दे जदों पहला अज तो पहला एक एन सी आर का इशू उठा सी, उस एन सी आर के इशू के मुद्दे पर सुखबीर बादल हरसिमरत बादल सारे केंद्र दे विच लोक सभा दे विच उहदी पक्ष दे विच वोट पा के आए, जदों उस तो उपरंत बाहर आए हैं उतों बाहर आके पंजाब दे विच आके उहदा विरोध कर लगे। सो एक जिहड़ी सब स्टैंडर्ड जिहड़ी राजनीति ये कर रहे हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और अज दे जिहड़ी सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ा पंजाब दे विच पंजाब एग्रीकल्चर जिहड़ा हैगा खुद कीता हैगा और पंजाब दे लई किसानां दे लई जिहड़ा तीन ऑर्डीनेंस पास हुई है, वो ऑर्डीनेंस की है एक मतलब कि एक स्वीट पॉइजन पंजाब के किसानों को दिता जा रहा है। आने वाले समय के होगा जो मंडीकरण खत्म होगा तो आने वाले समय के कुछ उस तरह के प्राइवेट प्लेयर्स है पंजाब के हावी होंगे, चाहे अंबानी अदानी पहला जरूर इन्हों एक जी मैं स्वीट पॉइजन वाली गल की है पहला थोड़े इन्होंने इन्हों जरूर चंगा लगू दो साल चार साल जदों कारपोरेट घराने दियाँ मोनोपलीज़ बन गई वो आपकी एम एस पी के मुताबिक आपके रेटा के मुताबिक जिनसा खरीदेंगे। अज देख लो अज मक्की की जी एक MSP है वो 1860 रुपये जी है गवर्नमेंट वालों की गई है पर अज मक्की खरीदने कोई तैयार नहीं। इस करके अज तक जे आप गल करिए मंडीकरण बोर्ड की गल करिए ऑल ओवर इंडिया जो आप वंटते हैं तो 70 वर्ग के एक मंडी होनी चाहिए है। इंडिया के इस टाइम 7 to 8 हज़ार मंडिया ने पर इंडिया जरूरत है मंडिया की 40 to 42 हज़ार। अज हिंदुस्तान के जे किसी मंडी के आपकी फसल जानी पैंदी है कल्ले पंजाब नूं छड्ड के 496 किलोमीटर तुर के जाना पैंदा और इन्होंने एक ओपन पॉलिसी बनाती हैगी है आई वॉश करन दे लई भी तुसीं किते भी आपकी फसल जाके वेच सकदे आ। मैं दावे नाल कहिंदा कि किसी भी जिमीदार नूं मोगे तो लुधियाने तक आपकी फसल जानी पै जाए, मोगे तो खन्ने तक जानी पै जाए, उहनूं आढ़तियां तों पैसा फड़ना पैंदा डीजल पेट्रोल दे वास्ते। दूसरे पासे अज डीजल पेट्रोल लगातार वध रहा 20-22 दिन हो गए और आने वाले समय के देखो नरेंद्र मोदी और सुखबीर सिंह बादल आने वाले समय के पेट्रोल की कीमत जी इन्नी हो जानी कि आपको शीशिया के पेट्रोल देंगे और ना तो यह पेट्रोल डीजल से विरोध कर रहे हैं और ना ही किसानी के मुद्दे से कर रहे हैं और एक सब स्टैंडर्ड जी इन्होंने राजनीति की हुई है पहला तो ही कि केंद्र के पाले के गेंद सीधी रखनी है, ना तो इन्होंने मतलब कि लोगों को इंसाफ दिता पंजाब के लोगों को चाहे पंजाब के लोगों को गुमराह करके इन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ली। मोगा तो बाद हुण नजर मारदे आं कपूरथला दे विच आम आदमी पार्टी ने किद्दां अपना विरोध जताया। ये जिहड़ी मोदी सरकार है जदों तों आई है मतलब किसान विरोधी जिहड़े हैगे सारे फैसले कर रही है, इस वक्त भी जिहड़े हैगे आर्डीनेंस जिहड़े मोदी सरकार करोना दी आड़े है पास कर रही है जिहदे विच सुखबीर बादल हुणी अज तक मतलब इह बयानबाजी करदे रहे भी जिहड़ा केंद्र हैगा वा वो पंजाब ने धक्का करता क्योंकि इस वक्त जिहड़े हैगे बादल होना तो केंद्र सरकार ना वधिया संबंध आ तो पंजाब के किसानों ने जिहड़ा गदारी कर रहा वा जिहड़े मोदी सरकार किसान मारू आर्डीनेंस जिहड़ी पास कर रही है सुखबीर बादल उन्हां दा साथ दे रहा उहदा विरोध नहीं कर रहा। इस करके जिथे सानू नरेंद्र मोदी ना मतलब विशेष रंज वा भी वह पंजाब की जिहड़ी देश की किसानी नूं तबाह कर लई तुरिया होया वा उत्थे जिहड़ा सुखबीर बादल भी उहदा हमायती बणिया होया वा जो कि बहुत ही निंदनयोग आ। ये रोस वजों अं जो है अज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जोड़े देश ने उन्हों का सुखबीर सिंह का पुतला फूकया वा क्योंकि इन्हों का जोड़ा गठजोड़ा
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇ ਵਧਦੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਭਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਗੰਧ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ।